आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। रविवार को होटल जलसा इंदौर में आयोजित राजपुताना संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम द राजपुताना कल्चरल प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की आयोजक भाग्य लक्ष्मी सिरोहिया ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजपुताना संस्कृति को बढ़ावा देना तथा हमारी नई पीढ़ी को इससे रूबरू करवाना है। आयोजन में समाज की मातृशक्ति ने राजपुताना वेशभूषा में शानदार प्रस्तुति देकर कला के क्षेत्र में समाज की उन्नति को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर की फेमस फैशन डिजाइनर सीमा चौहान, डायरेक्टर ऑफ NIFTA फैशन एकेडमी, जो कि फैशन के क्षेत्र में स्टेट एवं नेशनल लेवल के फैशन शो में अपना कलेक्शन शो कर चुकी है, तथा राष्ट्रीय महिला सम्मान, जयपुर रत्न सम्मान, पिंक रत्न सम्मान, यूथ आइकॉन अवार्ड, नेशनल कल्चरल अवार्ड, कोरोना वॉरियर अवार्ड, वीमेन अचीवमेंट अवार्ड जैसे अनेकों खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इनके साथ ही मुंबई से पधारे ख्यात कोरियोग्राफर रोनी चौहान भी उपस्थित थे। डॉक्टर मनोरमा सिंह सोलंकी ने बताया कि भाग्य लक्ष्मी बैसा की अगुवाई में हुए इस आयोजन में बेहतर प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। सर, राजपुताना कल्चर को लेकर यहाँ पे एक आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये सबसे पहली बात तो कि राजपूतों की संस्कृति और पहनावा ही कल्चर है पूरा अपने आप में, और मुझे मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं खुद भी राजपूत हूँ तो ये जो कल्चर है इससे भली बात ही परिचित हूँ, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ऑल पीपल आर, ये सब मेरे परिवार है, क्योंकि ये जो पहनावा है, ये जो आभूषण है, ये घरों में भी देखा है मैंने। तो जब मैं एंटर भी हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं घर में ही हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। अमूमन हम कई सारे प्रोग्राम करते हैं यहाँ भी, बाहर भी, विदेश में भी, बट ये फीलिंग दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, इट्स लाइक अ फैमिली फीलिंग। सो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। आई होप सब कुछ अच्छा जाए। हमारे भाभी साहब ने जो तैयारी की है, और जितने भी मेरे भाभी साहब हैं, मेरी बहनें हैं, राजपूत समाज है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं गया तो मुझे शुरू में बहुत अड़चने आई कि यार नहीं, राजपूत हैं हम, इस तरह के काम नहीं करते हैं, डांस गाना बजाना। बट मेरा ये है कि अगर आप में कुछ कला है तो प्लीज़ आप उसे दर्शाइए। किसी को हमारी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, तो मेरे प्रोडक्शन हाउस है, मेरे खुद के कॉन्टेक्ट है मुंबई में, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल उनकी मदद करूँगा। और भी अगर मुझसे कुछ सेवा हो पाएगी प्लीज़ मुझे आप बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी
जय बाबा महाकाल, जय माता। ये जो वेशभूषा आज दिखाई दे रही है, आप क्या अपील करेंगे कि हमेशा हर त्योहारों पर समाज की जो महिलाएं मातृशक्ति है वो इसको पहने, इसके लिए क्या क्या? जी ये ऑलरेडी पहनते हैं राजपूती, ये कल्चर है और ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। ये इतना अच्छा है कि आप यही नहीं, जैसे मेरे कई सारे दोस्त बाहर से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, तो उनको वो इतना अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये जो पहनावा है, सुंदरता के लिए ज़रूरत नहीं कि आपको छोटे कपड़े पहने जाएं, सुंदरता के लिए ज़रूरत है कि आप अच्छे से रहें, अच्छे कपड़े पहने। और राजपूती परंपरा को अगर कोई दर्शाता है तो उसमें सबसे मेन जो है वो हमारी पोशाक भी है, और आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्चर। इसके ऑर्गेनाइजर का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी हमें रॉनी चौहान, आई वर्क इन मुंबई एज ए कोरियोग्राफर, मॉडल, एक्टर। मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं। मैंने स्टार्ट किया था एज अ बैकग्राउंड डांसर, देन आई स्टार्टेड विद गणेश आचार्य, आप सभी जानते होंगे, उनको असिस्ट किया और अभी खुद का कोरियोग्राफी का शुरू किया है। आई एम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, मेरा प्रोडक्शन आउट है ऑलमाइटी फिल्म्स। हम मैं मूवीज भी बना रहा हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पहल ये है, मूवी ऑल भी कई सारे लोग बना रहे हैं, पर मेरा ये है कि कुछ ऐसा हो जो कि लोगों को एक्साइट करे, कल्चर से जुड़ा हुआ। आप देखेंगे राजपूतों पर भी कई सारी मूवियाँ बनी हैं, कई सारे उसमें प्रॉब्लम्स भी हुए। मुझे ऐसा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए जो कि अभी तक टच हुए नहीं है, लोगों ने उनके बारे में जाना नहीं है। ये कल्चर इतना बड़ा है, इतिहास इतना बड़ा है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से दर्शाया जाए, जो भी लोगों ने दर्शाया फिल्मों में, हमेशा दिखाया कि किसी को जमींदार बना दिया तो उसको विलन वाला रूप दे दिया, किसी को राजपूत दिखाया तो उसको नेगेटिव पार्ट में दे दिया। मुझे ऐसा है कि ये नेगेटिव नहीं है, हम लोगों ने रक्षा की है, पूरी जागीरें दे दी है, तो ये रक्षा जो करने वाला है, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो रक्षक रहा है शुरू से, हम लोगों ने लोगों को बचाया है, चाहे वो मुग़ल आए हों, उससे पहले अंग्रेज आए हों, हम सब ने उसी के बीच ये कि हमें एक कमी रही है कि हम बटे जल्दी, तो मैं चाहूँगा कि वो जो चला गया वो चला गया इतिहास, बट हम वापस से जुड़ें, कुछ अच्छा करें। जहाँ मैं आपको मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो अगर कहीं भी किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है प्लीज़ मुझे संपर्क कीजिए। सेम मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़े रहें, हम कनेक्ट रहें, हर बार ऐसे आयोजन करवाते रहें जिसके थ्रू नए नए लोगों से मिलें। कई सारे लोग हैं उनको बहुत एवरी पर्सन इज़ टैलेंटेड, आप देखेंगे हर बंदा टैलेंटेड है, हर औरत टैलेंटेड है, पर कहीं ना कहीं उनको मंच नहीं मिलता या अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते। मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी हों और हमारा कल्चर आगे आए, लोगों को पता लगे। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी भाग्य लक्ष्मी जी, जिन्होंने इतना सुंदर और बहुत ही भव्य जो प्रोग्राम है हमारी राजपूत संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया और इतना सम्मान दिया। हमारा जो ये कार्यक्रम है आज का, ये हमारी राजपूती वेशभूषा, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को दर्शाता है, और हमारी एकता को दर्शाता है कि हम किस तरह से सारी महिलाएँ मिलकर हमारी जो वेशभूषा है, आभूषण है, संस्कृति, हमारे गीत, हमारे रिवाज, इन सब चीज़ों को हम वापस से दोहरा रहे हैं, और किस तरह से हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसे धरोहर उनको देकर जाएंगे ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ों से हम हमारे बच्चों को हमारे कल्चर से हम रूबरू करवाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ और हमारे राजस्थान में इस तरह के कार्यक्रम होते ही रहते हैं। इंदौर में फर्स्ट टाइम हो रहा है और मुझे यहाँ का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर? इस प्रोग्राम को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भाग्य लक्ष्मी बाईसा का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का जिन्होंने मुझे इसके लिए टाइम दिया। मैंने इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ कि इंदौर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? मैं आई हूँ जयपुर राजस्थान से, और मैं हूँ एक आर्टिस्ट, राजस्थानी मूवी कर रही हूँ और बॉलीवुड मूवी कर रही हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो मैं कर रही हूँ, पर अभी धीरे धीरे लोग मुझे पहचानेंगे, पर भाग्यश्री भाईसा ने मुझे आज इंदौर में पहचान दे दी कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से संस्कृति, राजपूताना संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है इस पूरे आयोजन से? बिल्कुल, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए यही ये कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और अपने कल्चर को सभी को बताया जाए। मैं भाग्य लक्ष्मी सिरोया द कल्चर ऑफ राजघराना की ऑर्गेनाइजर हूँ,
और ये कार्यक्रम सभी के लिए रखा गया है कि जो ये संस्कृति अपनी पीछे जाती जा रही है, आने वाली पीढ़ी शायद भूल सकती है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में अब समाज जन भी आ गए, क्या कहना चाहेंगे? सभी में बड़ा उत्साह है इस चीज़ को लेके, राजपूतों में नहीं सभी समाज में ही इस चीज़ को लेके काफ़ी उत्साह है। भाग्यलक्ष्मी बाईसा ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हमें जज बुलाया गया है। ये कार्यक्रम अपनी राजपूती संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया है। हमारे बच्चे भाभीसाएँ और सभी इसके सदस्य यहाँ पे आए हैं क्षत्रिय समाज के, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और बड़े उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारा कल्चर आज हम जो करते हैं वो सबको दिखे, इसीलिए इस कल्चर को बढ़ाने के लिए ही इन्होंने कार्यक्रम